सांवेर क्षेत्र के किसानों को अब एक ही छत के नीचे किसानी संबंधित तमाम तरह की सुविधा मिल सकेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सांवेर स्थित बाईपास पर रविवार को किसान समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से बनाया गया किसान समृद्धि केंद्र पर एक ही छत के नीचे क्षेत्रीय किसानों को कई सारी किसानी सामग्री सरलता से उपलब्ध हो सकेगी, जैसे कि खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, अत्याधुनिक कृषि मशीनरी एवं अन्य किसान उपयोगी सामग्री इस केंद्र से मिलेगी, जिससे अन्नदाताओं का इधर उधर भटकने का समय बचेगा। क्षेत्रीय किसानों के मुताबिक सांवेर बाईपास पर लक्ष्मण खेड़ी चौराहे पर किसान समृद्धि केंद्र का लोकार्पण का श्रेय स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि तुलसी सिलावट सांवेर विधानसभा के विधायक भी हैं। आयोजन के दौरान मंत्री सिलावट ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि किसानों की कर्ज माफी भी लगातार सरकार द्वारा की जा रही है। यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। इस अवसर पर अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्री सिलावट, सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, हुकुम सिंह सांकला, नगजीराम ठाकुर, दिलीप चौधरी, भारत सिंह चौहान चिमली, मोहन खंडेलवाल, रमेश दयाल सहित बड़ी संख्या में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सहित किसान बंधु मौजूद रहे। लगता है कि वो किसान मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया कमलनाथ जाय के नेतृत्व में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए किसान अलग अलग नहीं भटके, एक स्थान पर एक छत के नीचे उनको सभी सुविधाएं, खाद, बीज, दवाइयां, पेस्टिसाइड और कृषि उपकरण सब जगह मिले, इसके लिए आज तुलसी सिलावट जी हमारे जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में आज इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे किसानों को कहीं भटकने नहीं पड़ेगा, हर प्रकार की सुविधा उनको यहीं एक स्थान पर मिलेगी, ताकि वो अच्छे उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की दवाइयाँ, बायो केमिकल के जिसके साथ पैदा की हुई खाद से, बायो खाद से बीज भी मिलेगा, ताकि किसान अपनी उपज बढ़ा सके और जो आज उपज हो रही उससे ज़्यादा पैदावार हो, ताकि किसान खुशहाल रहेगा। मध्य प्रदेश का अन्नदाता हमारी रीढ़ की हड्डी है, तीखी उन्नति की, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं, खाद भी मिले और बीज भी मिले, मार्गदर्शन भी मिले, जागरूकता का कैसे खेती करना इसकी भी जानकारी मिले। मैं सम्मानीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का सांवेर की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो एक सौगात उन्होंने दी है मैं उनका आभारी हूँ। शून्य शक्ति अभियान होगा जी, जो कई वर्षों से, कई दिनों से मेरा अन्नदाता, मेरी माँ, मेरी बहन, एक पटवारी से लेकर एसडीएम तक एक महीने नहीं, कई कई वर्ष घूमते थे। ये शून्य शक्ति अभियान है, ये नामंत्रण बंटवारा पटंकन के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। हम प्रयास करेंगे इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करें।